जोड़ों में दर्द या फिर आर्थराइटिस, साइटिका, वेरिकोज वेन, ये मेनोपॉजल पेशेंट्स में या फिर आफ्टर 30-40 ये मेल और फीमेल पेशेंट्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है। हर बार इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर नी रिप्लेसमेंट के एडवाइस एलोपैथिक में पेशेंट्स को दिया जाता है, लेकिन क्या आपको ये करना चाहिए? नहीं, आपको ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट हर पेशेंट को ज़रूरी नहीं रहती है, और पित्त प्रकृति की वजह से एसिड जिनको शरीर में बहुत बनता है, ऐसे पेशेंट्स को तो सर्जिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल ही काम में नहीं आती है। सिंपल हर्बल मेडिसिन से वेरिकोज वेन और आर्थराइटिस से ठीक हो सकते हैं। उसमें धनिया, जीरा, मेथी दाना और तुलसी के पत्ते मिला के ऐसे पेशेंट्स को जूस दिन में 3 बार पिलाया जाता है। गोठन पे, वेरिकोज वेन पे लगाने के लिए दिन में 3 बार लेप दिया जाता है, 3 बार हर्बल मेडिसिन दी जाती है। सदाबहार और सरगवा का जूस जो है, या फिर सूप रहता है, या ड्रमस्टिक की सब्ज़ी दिन में 3 बार 2 बार तो खिलाई जाती है। हरा मूंग ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को खिलाया जाता है। और ऐसे पेशेंट में गाय के दूध में हल्दी मिला के, शिलाजीत के 5 से 7 ड्रॉप्स मिला के, और गाय का घी 2 से 3 चम्मच मिला के दिन में 3 बार पिलाया जाता है। गाय के घी की और ऑयल्स की बस्ती दिन में 2 से 3 बार करवाई जाती है, जिससे 1, 2 और 3 डेज में पेंस कम होना शुरू हो जाता है। विद इन 3 to 5 डेज में लेप लगा देते हैं तो स्वेलिंग कम्प्लीटली निकल जाता है। और ऐसे पेशेंट को 10-20-30 दिन तक कंटिन्यूसली पंचकर्मों में रखा जाता है तो आर्थराइटिस दूर हो जाता है, हड्डियाँ भरनी शुरू हो जाती हैं, और 1 to 3 मंथ्स में पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। अगर बीपी बहुत बढ़ गया है तो दूधी का जूस दिन में 3 बार देते हैं, मुक्तावटी देते हैं। अगर डायबिटीज़ की वजह से हड्डियाँ सूखने लगी हो तो ऐसे पेशेंट में गिलोय का काढ़ा, आंवला और खीरा, करेला और टमाटर का जूस दिन में 3 बार पिलाया जाता है। अगर जॉन्डिस बार बार पेशेंट को हो जाता है तो एरंड के पत्ते का जूस 10, 20 और 25 ml दिन में 3 बार पिलाया जाता है और जॉन्डिस तुरंत ठीक हो जाता है। लिवर सिरोसिस हो तो ऐसे पेशेंट में पेट पे लगवाने के लिए लेप देते हैं, और सिर पे लेप लगा के उनको नेजल ड्रॉप्स दिया जाता है, जिससे कि नसेम ट्रीटमेंट तुरंत ही जॉन्डिस कम होने लगता है और पेशेंट का लीवर भी बच जाता है।